सर आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, करिश्मा सिंह गई हैं पार्लर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। चोर कितना ही शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई क्लू जरूर छोड़ता है। क्या? ओके, ठीक है ठीक है। क्या हुआ सर? अरे बहुत ही जरूरी खबर है आप लोगों के लिए। मीरा को इम्पोर्टेंट अपडेट के लिए प्रयोगशाला भेजना पड़ा है। क्या अचानक? अब केस में तहकीकात के लिए वो नहीं रहेगी आप लोगों के साथ, वो सारी तहकीकात आप ही लोगों को करनी होगी। मैं तो कहता हूँ जितनी जल्दी हो सके इस केस को सुलझाइए। जी सर। आधा का पूरा करने आया था, ये पूरा का आधा कर दिया आपने। अच्छा अच्छा। ओए क्या हो रहा है साडे पार्लर विच? ओए पुष्पू तू फिर से आ गई अपनी फौज को लेके। अरे यार जिसने भी बोला है एकदम वड्डिया बोला है कि पुलिस वालों की ना ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी। चुप, हमें हमारा काम करने दो। बिशी स्मार्ट वाच चेष्टा करना ठीक है से? क्या ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। अरे कोशिश की क्या जरूरत है, हम तो स्मार्ट है ही। मेरी ब्रेसलेट किधर है? ब्रेसलेट? कैटा ब्रेसलेट? क्या बोल रही है? सुनो आप शांत हो जाइए, हम समझाते हैं इनको, हम बात करते हैं। आप मुझे शांत होने के लिए क्यों कह रहे हैं? इन्हें कहिए ना मुझे हल्के में मत लीजिए, मैं सड़क पे चलती हुई लड़की नहीं हूँ। मेरे जी जो मंत्री है मंत्री, ऐसे चुटकियों में ना ट्रांसफर करवा सकती हूँ, इसलिए जरा होश में आके बात कीजिए। अपने इस हवालदार को बोलो मेरे लिए कॉफी लाने के लिए। सुनो मैडम थोड़ा शांति से, उम्र में बड़ी है आपसे, वो नहीं दिख रहा तो वर्दी तो दिख रहा होगा, वर्दी पहना उन्होंने। चाय कॉफी लाने के लिए वर्दी नहीं पहना है हमने, हमने वर्दी पहना है न्याय व्यवस्था बनाने के लिए, समझ रही हैं बात को? तो अपनी जो पावर की गर्मी है ना इसको अपने पास ही रखिए, हमने अपना पावर का गर्मी दिखाएगा ना कहीं की नहीं रह जाओगी। पुलिस का तफ्तीश चल रहा है यहाँ पे, सब शांत रहेंगे। पुष्पा जी। जी मैडम जी। चलिए चलिए सब लोग एक लाइन में खड़े हो जाइए, चलिए चलिए चलिए, खड़ी हो जाओ खड़ी हो जाओ। क्या अब आपको क्या अलग से न्योता देना पड़ेगा? नहीं खड़ी नहीं हो पाऊंगी। चलिए हम मदद करते हैं, उठिए। नहीं 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 ठीक है ठीक है, आप बैठी रहिए। अरे ये सब क्या चल रहा है, अब पुलिस की कंफर्ट के हिसाब से ये सब चलेगा? जिसको लाइन में खड़ा रहना है रहे, हम तो हमारा वैक्सीन का काम खत्म करके यहाँ से खड़े होंगे। अरे मैडम देखिए हम आपको यहाँ से निकलने के लिए नहीं कह रहे हैं, आपका सहयोग चाहिए, पुलिस का तफ्तीश चल रहा है, आप वैक्सीन बाद में भी करा सकती है ना। अब यही सब काम रह गया हमारे लिए? अरे इंसान को 100 काम होते हैं, और वैसे भी कल हमारा व्रत है, तो वैक्सीन तो आज और अभी होगा बस। मुझे नहीं करवाना वैक्सीन, मेरी बात तो मत कुछ। आप लोगों ने ना बैंड मचा दी मेरे पार्लर दी। अरे कोई बताएगा भी यहाँ पे क्या हो रहा है? पता देखे मैं ना ह्यूमन राइट्स को फोन करूंगी और यहाँ बुला लूंगी, बताऊंगी कि पुलिस मेरे साथ क्या क्या सुलभ कर रहे हैं। शांति शांति, हम आपको बताते हैं कि ये सब क्या हो रहा है, आइए हमारे साथ आइए। मैडम सर हमने पूरा का पूरा पार्लर खुरेद डाला, लेकिन हमको कुछ सुराग नहीं मिला, कोई लिंक नहीं मिला, ब्रेसलेट ब्रेसलेट कुछ नहीं मिला इनको। और सीसीटीवी फुटेज? नो क्लू, नो मैडम सर, नेगेटिव। बाप रे मीरा का चिप चबा गई का? भाग नहीं वो मैडम सर, मीरा हर वक्त साथ रहती है ना, तो थोड़ा बहुत असर तो पड़ेगा ही ना। हाँ पुष्पा जी, लेकिन वो असर निकाल दीजिए, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं मीरा को एक बहुत ही अर्जेंट और इम्पोर्टेंट अपडेट के लिए वापस लैब भेजा गया है, इसलिए ये केस हमें खुद ही सॉल्व करना होगा बिना उसकी मदद के। ओके okay?
मीरा मीरा का लगाया हुआ है आपने? हाँ, हम काफी नहीं है क्या आपके लिए? नहीं, जब आप रोज घर पे जाती हैं तो आपको सिकाई करके कौन देता है? आपके बालों में काला रंग कौन लगाता है? क्या हल्दी वाला दूध कौन पिलाता है आपको? रात को 2 बजे उठ के आपके पैरों की मालिश कौन करता है? कौन आपका साथ देता है? हम, और आप मीरा मीरा कर रही हैं। मीरा से पहले भी हम थे, मीरा के बाद भी हम ही होंगे। बहू का नाम जपेंगी ना तभी मोक्ष प्राप्त करेंगी, ध्यान रखना इस बात को पुष्पा जी। मोक्ष कहाँ, कर्मों का फल है ये बहू। कुछ कहा आपने? हाँ नहीं, फोकस कीजिए प्लीज आप दोनों, हमारे पास एक केस है सॉल्व करने के लिए। ओके जी। देखिए, हमें ऐसा लगता है कि हमें इस पूरे मामले के बारे में एक अलग एंगल से सोचना होगा। अब तक हम ब्रेसलेट को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, अब हमें चोर को ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। चोर मिल जाएगा, ब्रेसलेट मिल जाएगा। पर सवाल तो वही है ना मैडम सर, कि उस ब्रेसलेट चोर तक हम लोग कैसे पहुंचेंगे? अभी करिश्मा मैडम बताएं कि पार्लर का कोना कोना चप्पा चप्पा छान मारे लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। पता नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे ब्रेसलेट चोर हवा में आया और हवा में ही चोरी करके उड़ गया। तो फिर हमें अपनी इन्वेस्टिगेशन का दायरा बढ़ाना होगा। समझे नहीं मैडम सर। अरे मैडम सर के कहने का मतलब है कि पार्लर से बाहर निकल के शहर में चोर को ढूंढो, अगर जरूरत पड़े तो पूरे राज्य में ढूंढो। हमको पार्लर में नहीं, अब बाहर चोर को ढूंढना है। चोर कहीं भी हो सकता है। हाँ मैडम सर, मगर कैसे? हमें पता भी तो नहीं ना चोर कहाँ है, कैसे दिखता है। हमारे पास उसकी ना कोई पहचान है, ना कोई धुंधली सी तस्वीर भी। कैसे ढूंढेंगे उसे? एक मीरा ही तो थी जो उसे जानती थी, पहचानती थी, अब वो भी नहीं है। वैसे मैडम सर, हमारे पास एक आइडिया है, अगर आप इजाजत दे तो हम पेश करें। अमा क्या अकबर के दरबार में खड़ी है क्या, जो शाही रस का इजाजत मांग रही है? आप मुद्दे पे आइए ना। सीनियर से बात करने का ना एक सलीका होता है। हम आपकी तरह नहीं है कि जो मुंह में आया बक दिए। और क्या भाषा है आपकी? हाँ, ये उर्दू बोल रही हैं आप, और ये रस्क नहीं होता, रक्स होता है, रक्स। हाँ, उर्दू आपको, या उर्दू आपके ये जो तफल्लुज है ना, तलफ्फुज। हाँ भाई, वो सुधारिए, उर्दू सीखिए आप हमसे। आइडिया देंगी अब आप? हाँ मैडम सर, क्यों ना हम स्केच आर्टिस्ट को बुलाकर चोर का स्केच बनवाए। मतलब कुछ तो मदद होगी ना हमें उसे ढूंढने में। आइडिया तो बहुत बढ़िया है, लेकिन उस आर्टिस्ट को बताएगा कौन चोर का हुलिया? हम बताएंगे, हम कोशिश करेंगे स्केच आर्टिस्ट को उसका ब्रीफ देने की। पुष्पा जी। जी मैडम सर। बुलाइए स्केच आर्टिस्ट। नाम बताओ। इसका नाम है चांदनी। मंजू ब्यूटी पार्लर के सबसे स्टार एम्प्लॉय, सबकी चहेती, आपकी खूबसूरती के, आपके टैलेंट की तो लोग तारीफ करते नहीं थकते। सही कहा ना हमने चांदनी उर्फ चंदू? डॉक्यूमेंट्स चेक करते वक्त हमें थोड़ा सा डाउट हुआ था, लेकिन जब हमने और अच्छे से छानबीन की और डिटेल में पता लगाने की कोशिश की, तब जाकर हमें पता चला कि ये तो चाची 420 वाली कहानी है। फिर भी हम श्योर होना चाहते थे, इसलिए हमने पुष्पा जी को चांदनी के गांव भेजा। उसके जब गांव गए तो पता चला कि चांदनी दरअसल चंदू की बीवी का नाम है, जिसका 1 साल पहले इंतकाल हो चुका है। और हमें साथ में ये भी पता चला कि चंदू की एक बेटी है सुरभि नाम की, जिसका लंग का ऑपरेशन होने वाला है परसों। फिर ये गेस करना कोई मुश्किल काम नहीं था कि चंदू ही चोर है और चोरी आज ही होगी। ठीक कहा मैडम आपने, मेरा और मेरी पत्नी का भी एक सैलून था मैडम, बहुत अच्छा चलता था। दिन भर कस्टमर की भीड़ लगी रहती थी वहाँ पर, हम भी पूरी मेहनत और लगन से वहाँ पे काम कर रहे थे, पर पिछले साल अचानक चांदनी की एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। पार्लर का काम पूरी तरीके से बंद हो गया, फीमेल कस्टमर्स ने बिल्कुल आना बंद कर दिया क्योंकि कोई भी मेरी सर्विस लेने को तैयार ही नहीं था। और फिर अचानक सुरभि की बीमारी का एक और पहाड़ मुझ पर टूट पड़ा। उसके इलाज के लिए मुझे अपना पार्लर तक बेचना पड़ा। हर तरफ से मुसीबतों ने घेर लिया था मुझे, पागलों की तरह काम के लिए भाग रहा था इधर उधर, पर कोई भी ब्यूटी पार्लर मेरी सर्विस लेना ही नहीं चाहता था। और तब मैं
चंदू से चांदनी बना, मंजू जी के यहाँ पे चांदी बनकर नौकरी करने लगा। और तभी अचानक डॉक्टर ने कहा कि अगर सुरभि की सर्जरी 2-3 दिनों में नहीं की तो उसे बचाना मुश्किल हो जाएगा। कोई भी रास्ता नहीं बचा था मैम, और यहाँ भी बाप के फर्ज के साथ मजबूरन ही मुझे स्वीटी जी की ब्रेसलेट चुरानी पड़ी। एक बात हमको समझ में नहीं आया, जब ब्रेसलेट यही था तो जब हमने तलाशी लिया तो हमें ब्रेसलेट का ही नहीं दिखा। मैम जब आप अपनी टीम के साथ ब्रेसलेट की छानबीन के लिए आई थी तो वो ब्रेसलेट मैंने अपने मुंह में छुपा कर रखा हुआ था, और जब आपकी हेड कांस्टेबल पुष्पा जी सबका बयान ले रही थी तो वो मैंने सबकी नजरों से बचा के उसे ड्रायर में रख दिया था। और वो नकली ब्रेसलेट वो कहाँ से आया? स्वीटी जी मेरी रेगुलर क्लाइंट थी, एक दिन बातों ही बातों में उन्होंने मुझे बताया कि उनका वो ब्रेसलेट प्योर गोल्ड का है और उसकी कीमत लाखों में है, और तभी से मुझे उस ब्रेसलेट में अपनी बेटी की जिंदगी दिखाई दे रही थी, और तभी से मैंने असली ब्रेसलेट चुरा कर उसे नकली ब्रेसलेट से रिप्लेस कर देने का प्लान बना लिया, और ऐसा ही किया मैंने। तो फिर ये ब्रेसलेट अब तक क्यों नहीं लिया, आज ही ये नौबत क्यों आई? क्योंकि उस कंपार्टमेंट की चाबी मंजू मैम के पास ही रहती थी, और मैं कभी से प्लान बना रहा था कि कब वो चाबी मेरे पास आए और उस ब्रेसलेट को मैं वहां से निकाल लूं। और आज सुबह जब मैम ने वो चाबी दी और कहा कि मैं कुछ दिनों के लिए वैष्णो देवी जा रही हूं और उनके पीछे पार्लर की साफ सफाई का ध्यान रखूं, तब कहीं जाके ब्रेसलेट निकालने का मौका मुझे मिला। तजुर्बा कहता है हमारा, दूसरों के हिस्से का छीनोगे तो अपने हिस्से का भी खो बैठोगे। चंदू, हम तुम्हारा दर्द तुम्हारी तकलीफ बहुत अच्छे से समझते हैं, लेकिन तुम कोई और रास्ता भी अपना सकते थे। ऊपर वाले पर भरोसा रखते, डायरेक्ट पुलिस के पास जाते, हमारे पास आते मदद मांगने के लिए, लेकिन नहीं, तुमने चोरी करने का गलत रास्ता चुना। बहरहाल अब भी बहुत देर नहीं हुई है, हम पीएम रिलीफ फंड में बात करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि तुम्हारी बेटी की सर्जरी जल्द से जल्द हो जाए। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, प्लीज रिलैक्स, ऐसा मत करो। दोबारा अगर लाइफ में कभी कोई परेशानी आए तो चोरी मत करना। आप सभी ने मिलके मेरी बेटी और मेरे लिए जो भी किया उसके लिए ये तो बनता है। एक मिनट शांत हो जाइए, ये क्या हो रहा है पुष्पा जी? हम बता रहे हैं आपको, ये देखिए क्या हरकत किया अभी लौटा। और ये मिड डे मील सप्लाई करने वाली कंपनी का नाम है बिल्लू एंड सन्स, और वही मैडम सर वही जहरीला खीर लाकर यहाँ पर ना बेचारी भोली मासूम सी पुष्पा जी को खिला दिया राक्षस। तो खरी भैया की सासु, भैया क्या किया ये? हाँ? क्या किया इनको? मैंने कुछ नहीं किया है माँ, वो मेरी खीर नहीं है, वो नंदू हलवाई की खीर है, माँ को बहुत पसंद है ना नंदू हलवाई की खीर, वही लेके आया मैं, माँ नंदू हलवाई की खीर है। नंदू हलवाई की खीर? हाँ। तभी हम सोच रहे थे ये स्वाद कुछ जाना पहचाना क्यों है। ए, सिम वापस आ गया। भाप रे भाप। पब्लिक का भारी डिमांड पे बुलबुल पांडे इज बैक। जय हिंद। जय हिंद। इंसाफ का देवी हसीना मलिक जी, कैसी हैं आप? हम बहुत अच्छे हैं, आप बताइए आप यहाँ क्यों आए हैं? अरे अपना फर्ज बजाने, कहा कि हमारा थाना में एक तो केस दर्ज हुआ है आपका लाडला चोर के खिलाफ, इसने जो नया बिजनेस शुरू किया है मिड डे मील बांटने का, उसमें जो खीर इसने बांटा है बच्चों को, इसके वजह से सारे बच्चे जो है वो बीमार हो गए हैं। एफडीए का कहना है कि इसने जो खीर में मटेरियल यूज किया है वो मटेरियल इतना ओछा इतना हल्का है कि डायरेक्ट जहर खिला दो या वो मटेरियल खिला दो एक ही बात होता है। एफडीए का रिपोर्ट और ये एफआईआर का कॉपी। हम आपका इस लाडला चोर को हिरासत में लेते हैं जांच पड़ताल के लिए, हैं? चलें? नॉट छोड़ो। चला चला चला। मैं डिसाइड। चला, 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 माँ, माँ। नॉट छोड़ो। नहीं छोड़ेंगे। कहाँ छोड़ो? बिल्लू चंपत। कैसे कर सकते हैं ऐसी घटिया गिरी हुई हरकत आप? आखिर बच्चों के खाने में जहर क्यों मिलाया आपने?
देखिए, इस कुकर्म से हम भी उतना ही आंदोलित है जितना कि आप सब। हमारे अंदर भी क्रोध का ज्वालामुखी जो है वो फट रहा है। इसलिए बिना एक क्षण गवाए बाल सदन प्राथमिक विद्या मंदिर स्कूल से जैसे ही मामला दर्ज हुआ तत्काल हमने मुलजिम को अरेस्ट किया है और आगे का कार्यवाही भी जो है वो बुलेट ट्रेन का स्पीड से होगा, ये वादा है बुलबुल पांडे का। एक मिनट मिस्टर बुलबुल पांडे, एक बात बताइए, ये स्कूल का नाम क्या कहा आपने अभी? बाल सदन प्राथमिक विद्या मंदिर स्कूल। और ये स्कूल तो बख्तर रोड पर आता है, इफ आई एम करेक्ट? हाँ तो कहो। तो फिर आपको इतना भी नहीं पता कि ये एरिया तो आपका थाना क्षेत्र में आता ही नहीं है, ये तो हमारे ज्यूरिसडिक्शन में आता है। सर जी गांठ छोड़ दीजिए, हमारा मुजरिम है। इट्स नॉट, चलना नॉट, चलना चलना, चल इधर आओ, चलना भीतर पहले तू। एसएचओ हसीना मलिक, कानूनन ये बात तो सही है लेकिन सारा शहर जानता है कि बिल्लू चंपत आपके ही महिला थाने का आदमी है, तो इस बात की क्या गारंटी है कि इस मामले में आपके साथ पक्षपात नहीं होगा? करेक्ट। अगर बिल्लू चंपत दोषी है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। सही है। हम पहले भी ये बात कई बार कह चुके हैं कि फर्ज से बढ़कर और फर्ज के आगे कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं। सत्यमेव जयते। अबे बिल्ले, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। मुबारी है तेरा पुतला है ना, वो चला है कमर के नीचे सांप जल चुका, ऊपर कमर के ऊपर सांप ठीक ठाक है, बोले एकदम छागास। अरे पागल क्या कर रहा है? अरे वो पुतला है इसीलिए आधा जला है, मैं उनके हाथ लगता तो मुझे पूरा जला देते, भून देते और तुम दोनों हरी चटनी के साथ मुझे चाट लिए होते। पागल मनुष्य, आगे देख, थानो क्षेत्र में क्या हो रहा है मुझे बताओ। बिल्कुल बाहर निकालो, बाहर निकालो। अरे वीडियो बनाने का कोई फायदा नहीं मैडम, हम डरने वाले नहीं हैं। होगा, इस वीडियो को फायदा होगा क्योंकि ये वीडियो इस बात का प्रूफ है कि आप लोग प्रोटेस्ट करने के नाम पर वायलेंस कर रहे हैं। हमारी एक टीम मेंबर को जख्मी कर दिया है और आप लोगों को इस बात की शर्म भी नहीं आती, इसलिए बिल्लू चंपत जेल जाए उससे पहले आप सब जेल जाएंगे। हम डरने वाले नहीं है और ना यहाँ से हटेंगे, यहाँ से कोई नहीं हटेगा। सबसे पहले तो आप ही जाएंगे जेल क्योंकि आप ही इन सबको बहला फुसला कर लाए थे। अरे कोई पुष्पा जी अब ठीक है, एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। नहीं नहीं मैडम सर, जरूरत नहीं, इतना गहरा घाव नहीं है। पुष्पा जी देखिए, फिर भी सेफ्टी के लिए आपको डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए। एक काम कीजिए, आप कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले लीजिए, घर पे आराम करिए, जब आपको लगे कि आप ठीक हो गई हैं तब ड्यूटी रिज्यूम कीजिएगा, ठीक है? लेकिन उससे पहले इन्हें डॉक्टर के पास ले जाओ। मटन बिरयानी खाएंगी? सॉरी वेज वेज। जी करिश्मा सिंह जी। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद मैडम सर। यहाँ पे तो बहुत ही घोटाला चल रहा है, बिल्लू की जगह कोई और मालिक खड़ा हो गया, ये कंपनी किसी और के नाम पे चल रही है। मैडम सर क्या हुआ? मैडम कुछ आवाजें नहीं आ रही है। हेलो। हाँ हम सुन रहे हैं करिश्मा सिंह। देखिए एक बात बतानी है आपको, दरअसल यहाँ पर अभी प्रोटेस्ट के दौरान भीड़ में से किसी ने पत्थर फेंका जो पुष्पा जी को लग गया। ज्यादा लगा क्या उनको? डोंट वरी, घबराने की बात नहीं है, हमने इकबाल को भेजा है साथ में, वो पहले डॉक्टर के पास जाएंगे और फिर वहाँ से सीधा घर। और हमने पुष्पा जी से कहा है कि आप कुछ दिनों की छुट्टी ले लीजिए, इसलिए प्लीज आप टेंशन मत लीजिए, घर पे उनका ध्यान रखिएगा। और अब फिलहाल हमें ये सोचना है कि नील के काले धंधे को कैसे रोकेंगे, कैसे एक्सपोज करेंगे इसके पीछे के असली मुजरिम को। एक तरीका है मैडम सर। मैडम घूंघट घूंघट, मैडम घूंघट। जी कौन चाहिए? अरे ये पूछो के चाहिए, रोगड़ो चाहिए, रोगड़ो प्रॉफिट समझो को नहीं, रोगड़ो लगा कर रोगड़ो बनाना जी। मैं मारपानी। अच्छा मालपानी जी, जो हमारी बिजनेस में 1 करोड़ इन्वेस्ट करने वाले, वही ना?
मैं मारवाड़ी और ये हमारी बीननी मर्दी। राम राम सा। बड़ी लगी है, मैं अपनी जिंदगी में बता दूं कोई भी नया काम इसके बगैर करूं गोड़ी, ये हमारे लिए बड़ी लकी। बड़ी लकी। बड़ी लकी। नजर उतारने का टाइम हो गया से। हाँ, नजर। हाँ, हाँ। जी जी उतारिए उतारिए। बाप रे। हो गया। हुकुम, ये गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई? नजर उतारी पीसा गरीब भिखारी को देना हो गया। अब यहाँ कोई गरीब भिखारी नहीं हो गया ना? हाँ मैं हूँ ना, दे दूंगा ना किसी गरीब भिखारी को, बहुत आते रहते हैं यहाँ तो आप हमारे बिजनेस में 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, है ना? अगर थारो बिजनेस हमें अच्छा प्रॉफिट देवे है तो अगर वो तो होना ही है ना, हमारे बिजनेस में तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, जीरो रिस्क और प्रॉफिट ही प्रॉफिट है पूरा। हींग लगे ना फिटकरी रंग चोखा है। कैसे? वो क्या है कि हमको मिलता है बेहतरीन क्वालिटी का खाना बनाने का पैसा। ऐसा नहीं कि हम खाना बेहतरीन क्वालिटी का नहीं बनाते हैं, खाना तो हम बेहतरीन क्वालिटी का ही बनाते हैं, लेकिन वो सरकारी गरीब बच्चों के लिए मिड डे मील टाइप का खाना वो नहीं, वो खाना जो बड़े बड़े होटलों में और रेस्टोरेंट में हम देते हैं, क्योंकि उससे वहाँ पर मोटी कमाई जो हमारी होती है कि नहीं? इधर सरकारी स्कूल के सरकारी पैसे पर भी हाथ अपना होता है और उधर से बड़े बड़े होटलों की कमाई भी मेरे हाथों में ही होती है, यानी कि दोनों हाथों में लड्डू होते जिसे सीघी के हों। जी मैडम सर, फूड टेस्ट का रिपोर्ट। करिश्मा सिंह, हमने आपको वही कहने के लिए फोन किया है। फूड टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है और वो सैंपल बिल्कुल हेल्दी और सेफ है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं मैडम सर, अगर ये सेफ और हेल्दी होगा तो फिर बच्चों की तबीयत काहे खराब हो रही है? नहीं नहीं, कुछ ना कुछ झोल झपाटा है, ये जीजा साली का कुछ झोल है जो हमको समझ में नहीं आ रहा मैडम सर। एग्जैक्टली, आप सही कह रही हैं। एक काम कीजिए, अब उस फूड ट्रक को फॉलो कीजिए, हो सकता है वहाँ से कुछ पता चल जाए, तब तक हम स्कूल में जाके छानबीन करते हैं। जी मैडम सर, ओके चलो। जी बहुत बहुत शुक्रिया। भैया एक बात बताइए, ये जो फूड वैन आता है बच्चों के लिए, वो आया नहीं अब तक? देर हो गई क्या आज? बस मैडम आती ही होगी, वो 5-10 मिनट तो आगे पीछे हो जाता ना ट्रैफिक की वजह से। हाँ हाँ सही कह रहे हैं। एक बात बताइए, ये जो खाना आता है बच्चों के लिए, ये इसकी क्वालिटी कैसी है? एकदम घटिया। जब से कंपनी का नया मालिक आया ना बिल्लू चंपत करके, मैडम तब से खाने की क्वालिटी एकदम गिर गई है, सारे बच्चे शिकायत करते हैं। मैंने भी एक बार लिली मैडम से बात की थी इस बारे में, तो उन्होंने कहा कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, सब कंपनी का नया मालिक बिल्लू चंपत ही डिसाइड करता है। ठीक है, शुक्रिया। मैडम सर। जी मैडम सर, जय हिंद। जय हिंद। फूड वैन से कुछ पता चला, कोई इन्फॉर्मेशन मिली? जी मैडम सर, हम उस फूड ट्रक के सामने खड़े हैं। लिली हमारे आंखों के सामने खड़ी है, आप बस हमें थोड़ा समय दीजिए, हम बस पता लगाते क्या चल रहा है, फिर आपको बताते हैं। ठीक है? ठीक है, बी केयरफुल। जी जय हिंद मैडम सर। जय। हमको लग रहा है यहाँ से हमें ठोस प्रमाण जरूर मिलेगा, देखना। इधर आओ, बाहर आओ, क्या हुआ? प्रपोज करना है हमको तुमको, डेट पर चलोगे मेरे? डेट पर चलेगा मेरे साथ है? सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पर आए, बाप रे बाप, क्या कर, ये भी आई है मैडम, मिलिए इनसे, मिलिए। ड्यूटी कर रहे हैं हम अपना। चीते थाना चेक करो। अरे सर आप, मैडम ये दाल है देखिए, पानी में 3 दाना दाल का मिलाकर बनाया हुआ दाल है, देखिए। ये खाना खिलाती है आप बच्चों को? अच्छा, और क्या चीते चेक करो। बाप रे बाप, सब्जी है इसमें खाली तेल है मैडम। लग गया मैडम, हमको पहचान में आ गया, बाप रे बाप।
हाँ जी मैडम, गला दब रहा है मैम। गला तो दबेगा ही ना। गला दब रहा है तुम्हारा, गला दब रहा है। देखो ऐसा दिमाग का दही मत करो, बता दो वरना वैन क्या साइकिल चलाने लायक भी नहीं रहोगे दोनों। मैडम खाना कहाँ है? खाना सर सर मैम वो बगल वाले रेस्टोरेंट में। कहाँ भाग रही हो, कहाँ भाग रही हो? तो ये तुम्हारा धोखेबाजी का धंधा चल रहा है हा? लिली अच्छे क्वालिटी का खाना निकलता है लेकिन तुम रस्ते में खराब क्वालिटी वाले खाने से उसको एक्सचेंज कर देती हो, तो बच्चों तक पहुंच रहा है खराब क्वालिटी का खाना और रेस्टोरेंट और होटल में पहुंच रहा है अच्छी क्वालिटी का खाना जहाँ से आप लोगों को मिल रहा है बहुत सारा पैसा, बहुत सारा मुनाफा। तुम इतना पैसा भरने के लिए बच्चों की जिंदगी जोखिम में डाल सकती हो? शर्म नहीं आता है तुमको बिल्कुल भी? हाँ इतना घटियापन करोगी ना कि शैतान भी शर्मा जाएगा तुमको देखेगी, कौन है ये लोग और इनसे मुकाबला हम कैसे करेंगे? अब तुम साफ साफ यही बताओगी या थाने जाके हमारी मेहनत करवाओगी? मैडम हम बिल्कुल इनोसेंट हैं, हम सच बता रहे। तूने सब कुछ बताया ना पुलिस को? मेरे खिलाफ मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। मैंने ना पुलिस को सब कुछ बता दिया है, हर एक चीज रिकॉर्ड हो चुकी है, तेरा ना एक एक चिट्ठा मैंने खोल दिया है, अब तू फंसेगा। अरे लिली क्यों हो रही हो गुस्से में लाल पीली? मैंने किसी को कुछ नहीं बोला, तो जानता भी नहीं पुलिस से, मिला भी नहीं पुलिस से अभी तक। तुमने ही बोला था, तुमने थे तो कौन था हा? जो फोन पे मेरे खिलाफ स्टेटमेंट दे रहा था। एक मिनट आइए। लिली अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं, वो मही था मैडम, आवाज का जादूगर, मिमिक्री का बाजीगर। जी हाँ हमारे कहने पर इसने एक धोखेबाज को धोखा दिया है और हमने ही थाने में जैमर लगवाया ताकि लिली तुम्हें कॉल ना करे, हमने आप ही का फंदा आप ही के गले में बांध दिया। अच्छा अरे मैडम आप कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि कोर्ट के अंदर पुलिस के किसी भी बयान को कोर्ट नहीं मानता है। रिकॉर्डिंग तो मानेंगे? कौन सी रिकॉर्डिंग? तूने पुलिस को बताया ना सब कुछ? तूने बताया ना कि मैं हूँ इन सब के पीछे? तुझे तो देख मैं छोड़ूंगी नहीं। मैंने ना पुलिस को सब कुछ बता दिया है। इसमें साफ साफ दिख रहा है कि मिल के नाम पे जो धोखाधड़ी हो रही है उसके कर्ता करता आप दोनों ही हैं। जीता चतुर्वेदी। जी मैडम। चल बाबू बहुत धोखाधड़ी का माल खाली, अब जेल का हवा खा। चल चलो इधर आओ। अरे चलो। तूने पुलिस को बताया ना सब कुछ? तूने बताया ना कि मैं हूँ इन सब के पीछे? तुझे तो देख मैं छोड़ूंगी नहीं। मैंने ना पुलिस को सब कुछ बता दिया है। जी तो जैसा कि आप लोगों ने इस वीडियो में अभी देखा कि रूपलाल और लिली ने ये कन्फेस किया है कि ये सब कुछ उन्हीं का किया धरा है और साथ साथ अपने इस फ्रॉड की मोडस ऑपरेंडी भी डिटेल में बताई। बिल्लू चंपत को सिर्फ फंसाया गया था, वो पूरी तरीके से निर्दोष है। और हाँ बच्चों के साथ जो कुछ भी हो उस बात का हमें तहे दिल से बहुत अफसोस है और यकीन मानिए हमारे रहते, महिला पुलिस थाने के रहते, ये दुखद घटना दोबारा कभी नहीं होगी, ये हमारा आप सबसे वादा है। हसीना मैडम हमने आपके महिला पुलिस थाने को गलत समझा, आप लोगों की काबिलियत पे शक किया, हमें माफ कर दीजिए। थैंक यू सो मच मैडम सर, आपने जो मेरे लिए किया है उसके लिए ये तो बनता है। मीरा। यस। भाभी, डिंपल भाभी, डिंपल भाभी, आप ठीक हो ना भाभी? नहीं वो ठरकी भेड़िया। तुम? बुलबुल पांडे। उसके पास 24 घंटा थी ना डिंपल भाभी। डिंपल भाभी आपकी इज्जत तो सही सलामत है ना? उसने तो मैं देखा ही नहीं। खुश नहीं हो रही हो? अफसोस कर रही हो भाभी? मतलब अगर ऐसा है तो वो बुलबुल पांडे नहीं है।
शिकारी और शिकारी के सामने शिकार है और शिकारी शिकार पर हमला ना करे ये हो ही नहीं सकता। अरे भाभी ये का है? बदनाम जी का है। इसको साथ में लेके घूम रही है आप? ये बदनाम का है? तो बदनाम क्या पहने हैं? सोच। ऐसा तीन है। अच्छा, ये ऑफिसर बुलबुल पांडे के ही फिंगरप्रिंट्स हैं और ये जो रुमाल पे बारीक सा मामूली सा खून है वो नाक छनकते वक्त निकल आता है और इसका ब्लड ग्रुप भी बुलबुल पांडे के ब्लड ग्रुप से मैच होता है। और डीएनए रिपोर्ट क्या कहती है? डीएनए एनालिसिस एक समय लेने वाली प्रक्रिया है, उसके लिए मुझे वक्त चाहिए। ठीक है। वाह बहुत बढ़िया, ये है तथा कथित एडवांस्ड मशीन, हाँ, जिनको डीएनए के लिए समय चाहिए। भैया तुमसे तेज तो आजकल के वीडियो गेम्स है जो चौथी पांचवी कक्षा के बच्चे लेके घूम रहे हैं। डीएनए एग्जामिनेशन करने में आमतौर पर लोगों को 15 दिन लग जाते हैं, मैं वही काम 3 घंटे में कर सकती हूँ। तो हाँ, लोग सही कहते हैं, मैं सुपर एडवांस्ड मशीन हूँ। ठीक है मेरा, तुम अपना काम करो। चीता गाड़ी निकालो, पल्लवी से मिलने जाना है। और करिश्मा सिंह आप मीरा को फॉलो अप करेंगी, जैसे ही डीएनए रिपोर्ट आ जाती है आप हमें कॉन्टेक्ट करेंगे। क्लियर? जी मैडम। देखिए हम नहीं चाहते थे कि आप बार बार थाने आए और बुलबुल पांडे को आप पर शक हो, इसलिए हम यहाँ आए। अब मुद्दे पर आते हैं, हमें हमारी इन्वेस्टिगेशन के बाद ऐसा लग रहा है कि आपके साथ आपके घर में जो आदमी रह रहा है वो आपका हस्बैंड बुलबुल पांडे ही है, कोई बहरूपिया नहीं। देखिए मैडम, हम एक पत्नी हैं और पत्नी अपने पति को उसकी परछाई से भी पहचान लेती है। अब ये आदमी हमारा पति नहीं है ये फील करने के लिए हमको कोनो सबूत या गवाह का जरूरत नहीं है। ये बुलबुल पांडे को हम उसका गंध से पहचान सकते हैं। सुगंध की दुर्गंध। देखिए पल्लवी जी, उनके फिंगरप्रिंट्स भी मैच कर रहे हैं। हाँ तो फर्जी फिंगरप्रिंट बनवाना कौन सा बड़ा काम है आज के जमाने में? हाँ, सिनेमा नहीं देखती क्या मैडम? देखा नहीं कैसे नकली फिंगरप्रिंट बनवा बनवा के लोगों की आंखों में धूल झोंकता है ससुर विलन। हाँ ठीक है, लेकिन हमें उनके कैप में उनका बाल भी मिला है, उसके बारे में क्या कहेंगे? वो पहले का होगा, बाल तो उनके बचपन से ही झड़ रहे हैं, अब तक तो गंजे हो जाने चाहिए थे। मैडम उनके रुमाल पर खून का धब्बा मिला है, इस बारे में क्या कहिएगा? अरे लेकिन वो तब बना होगा जब उनका जबरदस्ती अपहरण किया गया होगा। देखिए मैडम, हमारा विश्वास कीजिए, हम सही बोल रहे हैं, ये आदमी जो है हमारा पति नहीं है और एक पत्नी अपने पति को पहचानने में बिल्कुल भी गलती नहीं कर सकती। और ये बात हम केवल पत्नी होने के नाते नहीं कह रहे बल्कि एक औरत का छठा इंद्री के गवाही के वजह से कह रहे हैं, जो बिल्कुल भी गलत नहीं होता। देखिए पल्लवी जी, मैडम आपको वो गमला दिख रहा है? अब सोचिए, जो आदमी खिले हुए फूल से लेकर छिले हुए प्याज तक का फर्क नहीं बता सकता, वो घर में पालने के लिए एक पौधा लाया है, वो भी इतने बड़े गमले में। अब सोचिए इनका और बुलबुल पांडे का क्या तालमेल हुआ? चेक करो। एक मिनट। हाँ करिश्मा सिंह कहिए। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। हाँ जी मैडम सर, मीरा ने डीएनए के बारे में बता दिया है, कैप में मिला बाल बुलबुल पांडे का नहीं है। क्या? क्या हुआ मैडम सर? डीएनए रिपोर्ट आ गई है, बुलबुल पांडे के कैप में से जो बाल मिला है उसका डीएनए मैच नहीं है। देखा देखा मैडम देखा, हम कब से कह जा रहे थे कि एक औरत का छठा इंद्री कभी रॉन्ग नहीं हो सकता। हम कह रहे थे कि ई जो आदमी है वो हमारा पति नहीं है। पल्लवी जी, जय हिंद सर। जय हिंद। ये लोग यहाँ बारह खड़ी बाद में बोल लेना, पहले बताओ ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? चेपू के लिए एक ठो लड़की का रिश्ता आया है तो उसके परिवार का जांच पड़ताल करने के लिए हमने इनको बुलाया है। इनको? हाँ। तो हम कहा पुलिस स्टेशन में बैठ के बुट्टा छिलते हैं? हम भी तो पुलिस वाले हैं, हम भी आपका ये काम कर सकते थे। हाँ लेकिन शादी ब्याह का मामला है ना, हाँ कोई एनकाउंटर थोड़ी ना करना है। एग्जैक्टली, और शादी के मामले में अगर लड़की वालों की तहकीकात अगर महिला कोई करे तो उनके लिए ज्यादा कंफर्टेबल होगा ना, इसलिए हम आए। ये है एफबीआई का रिपोर्ट,
और यह एफआईआर का कॉपी। क्या बात है बुलबुल पांडे, आप उल्टे हाथ का इस्तेमाल बहुत कर रहे हैं आज। जहां तक हमें याद है आप तो राइट हैंडेड है ना। अरे हमारा दोनों हाथ जो है ना वो एकदम बराबर काम करता है। आज ही मान लीजिए कि ये हाथ को छुट्टी दे दिया है, चलते हैं। देखा देखा ना मैडम, देखा ना। हाँ हाँ हाँ, अब हमें आपकी बात पर पूरा यकीन है। हम अपना इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू रखेंगे, डोंट वरी, हम हैं आपके साथ। जी अच्छा, आप लोग बैठिए, हम आपके लिए चाय लेकर आते हैं। हाँ प्लीज प्लीज, थैंक यू। चीता। हाँ मैडम सर, हम इकबालुआ को बोलते हैं कि थोड़े दिन और डिंपल बन के यहीं पे जमा रहे, पता होता करे कुछ। ओके गुड, और करिश्मा सिंह से कहिए कि वो मीरा के जरिए इस बात की इन्फॉर्मेशन निकलवाए कि पिछले कुछ दिनों में बुलबुल पांडे ने किन केसेस पर काम किया था या कर रहा है, हो सकता है कोई लिंक जुड़ा हुआ हो। जी मैडम सर। हेलो महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ। बस रे चितकबरा भेड़िया, जो बोल रहे हैं ध्यान से सुन, करिश्मा मैडम कहाँ हैं, बात करवाओ। करिश्मा मैडम डीएसपी सर के ऑफिस गई है कुछ नए केसेस के अपडेट लेने। अच्छा ठीक है, एक काम करो, तुम बिल्लू को समझाओ, उसे कहो कि वो मीरा से इन्फॉर्मेशन निकलवाए, लेकिन उसे ठीक से समझाओ कि कैसे बात करना है, प्रॉपर तरीका क्या है सब कुछ। जी मैडम। सुन रे पोपला भालू, अब जो भी बोल रहे एकदम कान खोल कर ध्यान से सुन, समझ रहा है। देखिए हमको पता है कि आप हमसे सीनियर हैं, कानून हमसे ज्यादा जानती हैं, लेकिन मैडम इतना कानून हम भी जानते हैं कि आप हमसे जबरदस्ती कोई भी बयान देने के लिए ऐसे मजबूर नहीं कर सकते। कर सकते हैं, वर्दी में हो इसलिए तुम पर हाथ नहीं उठा रहे हैं। आशा करते हैं कि हमारा सहयोग करोगे और यहाँ से कट जाओगे। इतना भी जानते हैं हम कि बुरी संगत का असर जरूर है, लेकिन इंसान तुम बुरे नहीं हो। और एक बात बता दे तुम्हारी जानकारी के लिए कि ये सब कुछ हम तुम्हारी बहन के लिए कर रहे हैं, तुम्हारी दीदी के लिए। हमारी दीदी के लिए? जी। अब सुनो, हुआ ऐसा है कि ये हमारे पति हो ही नहीं सकते, ये कोई बहरूपिया है जो हमारे पति का रूप लेकर हमारे ही घर में घुसकर बैठा हुआ है। इंटेलिजेंस की पक्की रिपोर्ट है कि हमारे शहर में एक टेररिस्ट घुस आया है, अपना रंग रूप बदल के, अपना हुलिया बदल के, और यहाँ के लोगों में मिक्सअप हो गया है। एक बहुत बड़ी टेररिस्ट एक्टिविटी प्लान कर रहा है। मैडम सर, अगर हम कहें जिस अनजान टेररिस्ट का बात कर रहे हैं उसका संदेशा लेके बाहर बुलबुल की वाइफ आई है तो? समझ में आया? कहा दीदी ने इतना बड़ा बात हमसे छुपाया, अपने चेपू से। तो क्या हमसे छुपाती? अरे चुप रहो यार। रिलैक्स। देखो हमी ने उन्हें मना किया था किसी को कुछ भी बताने से, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि वक्त से पहले बुलबुल पांडे को शक हो जाए कि हमने उस पर नजर रखी हुई है। चंपक बात को समझो, हमारी मदद करके तुम सिर्फ अपनी जीजी की नहीं बहुत से लोगों की जान बचाओगे, और तुम्हें अपनी वर्दी का हक अदा करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। चंपक। हम समझ गए मैडम, आप पूछिए हमसे क्या जानना चाहते हैं, हम सब बताएंगे। नो लाई डिटेक्टेड, ये सच बोल रहा है। रिलैक्स। तो क्या है बुलबुल पांडे की दिनचर्या, क्या है उसका रूटीन सुबह से लेकर रात तक? अरे मैडम क्या रहेगा उस घटिया आदमी का डेली रूटीन। अरे सुबह उठता है, बाथरूम में जाता है, बाथरूम में जाके फिर बस बाथरूम में क्या करता है सबको पता है। आगे आगे आगे। अरे आगे क्या, आगे बाथरूम से निकलता है, बालकनी में जाता है और भींगा कच्चा सुखाता है। अरे फॉरवर्ड 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 का, फिर उसके बाद दो गिलास दूध पीता है उच्चो चुंदर छुहारे के साथ। अरे ओ स्लो मोशन के सुलोचन, तुम्हारे जीजा का बायोपिक जिंदगी आत्मकथा नहीं पूछा जा रहा है यहाँ पर। तुम्हारे जीजा सुबह में घर से लेकर थाना जाने तक और थाना से घर वापस आने तक बीच में क्या करते हैं, कैसे करते हैं, उनका डेली रूटीन पूछ रही है मैडम सर, वही बताओ ना यार। रिलैक्स। अरे तुम स्पा बना है का आज? रिलैक्स। देखो हमें कोई ऐसा बात जानना है बुलबुल पांडे के बारे में जो तुमको खटकता हो, तुमको अजीब लग रहा हो। मैडम ऐसे तो पूरे दिन हम उसके ऊपर बेताल बन के सवार रहते हैं, काहे कि शाम को हमको दीदी को रिपोर्ट देना रहता है ना उसके पूरे खाए पिए का। लेकिन हाँ मैडम, आजकल वो 3 से 5 के बीच गायब रहता है, और अपना जो फोन है ना वो भी थाने के दराज में रख के जाता है। तो तुमने पता लगाने की कोशिश नहीं की? ए, मैडम बहुत पता करने की कोशिश की, उसका पीछा भी किया, लेकिन वो हमको चकमा देके निकल जाता है छुछुंदर। ओ रिलैक्स। बिल्लू चुप रहो।
रिलैक्स। देखो एक काम करो, तुम नजर रखो बुलबुल पांडे पे, देखो अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है या ऐसा कुछ होता है जो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है तो तुरंत हमें इत्तला करो। जी मैडम। एक और बात चंपक, तुम हमारी मदद करके बहुत अच्छा काम कर रहे हो। थैंक यू मैडम। जय हिंद मैडम। जय हिंद। रिलैक्स बिल्लू। या मैडम सर। पता लगाओ कि 3 से 5 के बीच में बुलबुल कहाँ गायब रहता है, काम भी करो कभी थोड़ा। रिलैक्स रिलैक्स रे, जाओ इधर जाओ। चीता, इकबाल की तरफ से कोई अपडेट? का नजर रख रही हो हम पे? आखिर पकड़ लिए ना आप, हम जब से आए हमारा नजर बस आप पे, क्या सुंदर चेहरा है। हमको भी लग रहा है कि पहले तुमको कहीं देखा है। जा। हाय क्या कह दिया, मतलब दोनों तरफ सेम चल रहा है ना, लेकिन क्या करें, हमको हमारा हैसियत पता है, हम चाहे भी तो कुछ नहीं हो सकता है। अब इतना बड़ा बदतमीज अफसर है। क्या बक रही हो? सॉरी मतलब इतना बड़ा अफसर है और हमारा क्या औकात, हमारा प्रेम कहानी अधूरा रह जाएगा, कहीं आपकी बीवी को पता चल गया तो जिंदा दीवार में चुनवा देंगी आपको। हम तो हमारा किस्मत से रोना। अरे घबरा काहे रहे हैं, घबराइए नहीं, हम बिल्कुल भी नाराज नहीं हैं, उल्टा हम तो बड़े ही खुश हैं कि हमारे पति में अब वो बात है कि कोई जवान खूबसूरत लड़की हमारे पति पर लट्टू हो सकती है। हमारे लिए तो घर का अदरक लहसुन बराबर ही हुआ ना। नाना पल्लवी जी, कहावत यूं है कि घर का मुर्गी दाल बराबर। अरे वो तो है, लेकिन आप तो अदरक जैसे है ना, देखिए हर जगह से निकल रहा है। इसलिए डरिएगा नहीं, जो कर रहे थे वो करते रहिएगा, अब जारी रखिए, ठीक है? कहा कह रहे? ठीक है, समझ गए। बहुत अच्छा काम करो इकबाल, काम करते रहो, हम बाद में बात करेंगे। करिश्मा सिंह। जी धन्यवाद। ओके, तो इकबाल का ऐसा कहना है कि इस बात की बहुत पॉसिबिलिटी है कि नकली बुलबुल पांडे ने असली बुलबुल पांडे को कहीं पर कैद करके रखा हुआ है, क्योंकि नकली बुलबुल पांडे घर के बारे में सब कुछ जानता है। वो इन्फॉर्मेशन वो कहाँ से ले रहा है? असली बुलबुल पांडे से। उसको घर की चाबियां, लॉकर के कॉम्बिनेशन सब कुछ पता है, और तो और घर के गमले में जो चाकू मिला था हमें वो भी गायब है, इकबाल ने खुद जाकर चेक किया है। इसके तो दो ही मतलब हो सकते हैं, पहला या तो इस नकली बुलबुल पांडे को पता चल गया कि हमने उस पर नजर रखा हुआ है इसलिए उसने वहां से चाकू गायब कर दिया, दूसरा ये जो नकली बुलबुल पांडे है इसको जो कुछ भी करना है वो आज ही करेगा। आपकी दोनों बातें सही है पर हमें लगता है दूसरी पॉसिबिलिटी में ज्यादा दम है। एक मिनट, बिल्लू कहाँ है? हमने उसे भेजा था ना बुलबुल पर नजर रखने के लिए। आ गया ही गया। जिसके पीछे पड़ जाए उसके मुंह से निकले हाय हाय, आई एम बिल्लू द स्पाई। ये फालतू का बकैती करने के लिए नहीं बुलाया तुमको यहाँ पे, जिस काम के लिए गए थे उसका जवाब दो। मैं नहीं बोलूंगा। बोलो ना। अच्छा हमें बताओ, आप सुनेंगी तो यकीन नहीं करेगी। ये जो बुलबुल पांडे है रोज 3 से लेकर 5 के बीच में कोई बाबा पाप नाशक के यहाँ सत्संग में जाता है। क्या? हाँ मैंने अपनी आंखों से देखा है। या नहीं, ये दिस इज नॉट पॉसिबल। असली बुलबुल पांडे हो या नकली हो किसी सत्संग में तो नहीं जाएगा। पता लगाओ इस बाबा के सत्संग के बारे में, पता लगाओ और सारी इंफॉर्मेशन हमें शाम तक चाहिए। ओके, और आई एम आउट। लेकिन इंसल्ट नहीं चलेगा। कटो। ओके।
मैडम सर, डीएसपी सर के ऑफिस से मिली जानकारी के मुताबिक ये जो गुप्तचर है ये राजाबाद में कहीं से कोऑर्डिनेट कर रहा है। राजाबाद से? हमें समझ में नहीं आ रहा, यहाँ पर कोई कनेक्शन नहीं बैठ रहा है। अगर गुप्तचर राजाबाद में है तो फिर नकली बुलबुल पांडे यहाँ पर क्यों एस्टेब्लिश्ड है? क्या कनेक्शन है इन बातों में? जय हिंद मैडम। जय हिंद चंपक जी, बताइए। मैडम, कल हमारा जीजा रहेजाबाद के लिए निकल रहा है और उसने हमको सख्त हिदायत दी है कि ये बात किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। ये तो बहुत अच्छी खबर है। थैंक यू, आप जा सकते हैं। जय हिंद मैडम। जय। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।